सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आप लोग का वापस से स्वागत है गेमिंग उसल की और नई कमाल गेम प्ले वीडियो में गाइस। सो आज की वीडियो में लेके आपके लिए बहुत ज़्यादा कमाल का इंटरेस्टिंग गेम प्ले गाइस। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइज आप एक बार यहाँ पे अलाइव पे नज़र मारो गाइज, यहाँ पे 44 बंदे अलाइव हैं। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे कि पुचिंकी में कुछ हुआ ही नहीं मतलब इतनी देर तक। और फिर जब आधे लोग मर गए तब जाकर पुचिंकी में एक स्क्वाड गाड़ी लेके घुस जाती है हम लोगों को मारने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वियर्ड है। सो यहाँ पे वो हमारे दो बंदों को खा गया गाइज यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने कार 98 से दूर से एक शॉट दिया और अपने दोस्त को कॉल लगाया कि चल जल्दी से प्लान करते हैं, इस पूरी टीम को हम लोग खा जाते हैं। So guys यहाँ पे तीन ही लोग थे, दो को मैंने मारा और एक को मेरे दोस्त ने मारा जो कि नंबर 4 है। So guys यहाँ पे पोचिंकी में बस इतना ही एक्शन हुआ और एक्शन भी देखो guys कितना ज्यादा लेट हुआ यहाँ पे। मतलब पोचिंकी एक हॉट ड्रॉप है पर यहाँ पे कोई उतरना ही आजकल पसंद नहीं करता, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। सो गाइस चलो अब अगले एक्शन की ओर चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं और मेरा दोस्त खुशी खुशी यहाँ पे जा रहे थे सोच के कि हमने पुचिंकी के सारे बंदे यहाँ पे मार दिए। और अब यहाँ पे तभी देखते हैं कि यहाँ पे सामने की ओर से फायरिंग हो रही है। ओके सो हमने सोचा कि यहाँ पे फायरिंग की तरफ चलते हैं, पहले हम ड्रॉप की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे माइंड चेंज हो गया। सो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक पूरी स्क्वाड है, तो यहाँ पे मैंने सीधा यहाँ पे गाड़ी घुसा दी कि अब कुछ किल्स करेंगे गाइस हम यहाँ पे। देखो यार कितना बढ़िया यहाँ पे किल्स करेंगे हम लोग। सो गाइज आप लोग यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने और मेरे दोस्त ने कितना अच्छा टीम वर्क किया गाइज। सो यहाँ पे मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर गाइज आप लोग पुश कर रहे हो तो आपको अच्छा टीममेट चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है गाइज। नहीं तो आपको सोलो में ही पुश करना चाहिए गाइज अगर आपके पास अच्छे टीममेट नहीं है। अगर आप रैंडम स्क्वाड के साथ खेलते हो तो गाइज सीधी सी बात है अच्छे टीममेट ढूंढो अगर स्क्वाड या डुओ खेल रहे हो तो। सो गाइज हम लोग यहाँ पे आए थे स्कूल के ऊपर अपना रॉयल पास का एक वो मिशन पूरा करना था कि वहाँ पे आके हमारे को वाला डांस करना। तो जैसे ही मैंने वाला डांस किया मेरा मिशन भी पूरा हो गया। और बस गाइज अब चलते हैं यहाँ पे एक्शन की ओर हम जल्दी से। सो गाइज अब फिर से वक्त आता है यहाँ पे अपना ज्ञान बांटने का। सो मैं अब आपको बताने वाला हूँ ऐसी अच्छी टिप, एक ऐसी अच्छी टिप जिससे आप डायनामो से भी अच्छे प्लेयर बन सकते हो। जी हाँ गाइज डायनामो से भी अच्छे प्लेयर, हालांकि बनोगे तो नहीं, वो तो खेल खेल के ही आएगा। सो यहाँ पे आप देखो गाइज जोन था खुले में, ओके सो अगर आपको कभी भी जोन खुले में हो मतलब एक घर ढूंढ लो यार। अब यहाँ पे देखो यार यहाँ पे दो दो लोग बैठे पड़े थे, मेरे हाथ में कार 98 थी, पता नहीं क्या हो रहा था। सो आप सामने की ओर है एक, उसको बजा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और एक वहाँ अंदर भी दो लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे गलती देखो गाइज इस बंदे की गलती देखो, मेरे आंखों के सामने बैठ के यहाँ पे M249 को रिलोड कर रहा है बच्चा। क्या सोच रहा है ये कि M249 रिलोड भी हो जाएगी, मैं चुपचाप बैठा रहूँगा और फिर ये हमारे को आके मार देगा। सो गाइस कभी भी अगर आपके हाथ में M249 है और एनिमी आसपास है रिलोडिंग की सोचना भी मत। अगर उसने रिलोडिंग की आवाज़ सुन ली वो आपके ऊपर एकदम टूट पड़ेगा जैसा कि यहाँ पे मैंने किया एकदम। सो गाइस यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा घर आउट ऑफ जोन हो चुका था और मैं आ गया था एक ब्रोकन वॉल के सामने। तो गाइस फिर से टिप आपको याद दिला देता हूँ, कभी भी जोन कितना भी खुले में हो, हालांकि बस एक ही घर बचा हो जोन के अंदर, कभी भी घर को छोड़ के कहीं मत जाना। भली घर में बंदे हो उनसे आपको घर छीनना पड़े लड़के, हमेशा घर को अपना बनाओ गाइस। अगर आपके हाथ में घर है अच्छी कवर है आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो वहाँ सामने की तरफ दो बंदे हैं, ठीक है, और मेरे पास कितनी अच्छी कवर है गाइज। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले मैं उनके ऊपर चढ़ गया और बस रिवाइव दे रहे थे भाई साहब यहाँ खुले में बैठ के,
तबाही मचा दी ऊपर चढ़ के मैंने, और यहाँ पे मैं कहीं और से पढ़ने लगी तो वापस मैं कवर में आ गया। सो गाइस सीधी सी बात है, अगर आपके पास कवर है तो जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है गाइस, हमेशा एक अच्छी कवर के लिए देखो। सो गाइस जब आप देखो आगे एक्शन और क्या क्या होता है, तो गाइस यहाँ पे किल कंफर्म करने के बाद अब आपको दोबारा से बारी आती है डायनामो बनने की, टिप टू समझाने की। गाइस अब देखो, हमेशा अपने पास एंड जोन तक गाड़ी को रखो। यहाँ पे देखो गाइस, गाड़ी नहीं होती तो मेरा क्या होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम देखो कितना कम बचा, 30 सेकंड बचे हैं, ठीक है। मेरी कवर यहाँ से अब जीरो है सब, मेरी घर की कवर अब यहाँ पे हट चुकी है एकदम, पर अब मेरे हाथ में है गाड़ी, ठीक है। तो अब मैं गाड़ी उठा रहा हूँ और यहाँ पे लैग देखो भाई साहब कितना गदर वाला हो रहा है। चलो लैग को छोड़ो अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूरे एरिया में गाड़ी दौड़ाता जा रहा हूँ, और लैग देखो कितना सारा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं गाड़ी दौड़ा रहा हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो बंदा मेरे पे फायर करे और मेरा दोस्त उस बंदे को ख़त्म कर दे, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बंदा मेरे पे फायर करे और यहाँ पे अब वो भाई साहब हमारे जाल में कभी भी फंस सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी लैग बहुत ज़्यादा हुई थी, तो यहाँ पे देखो गाइस क्या होता है अब। सो गाइस यहाँ पे भाई साहब फंस चुके थे हमारे चाल में। सो यहाँ पे मैं गाड़ी घुमाई, उतरा गाड़ी से ताकि बंदे को स्पॉट कर सकूं। जैसे ही स्पॉट किया, गाड़ी में बैठा यहाँ पे, उसने मेरे दोस्त को देख लिया था, तो मेरे दोस्त को यहाँ पे उसने फिनिश करने की पूरी कोशिश करी, पर यहाँ पे मैंने तो उसको देख ही लिया था, उसने मेरे दोस्त को फिनिश किया। यहाँ पे मैंने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई और उसको फिनिश किया। सो गाइज यहाँ पे मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, डायनामो बनने की टिप नंबर 2, एंड जोन तक गाड़ी रखो। सो गाइज आज की वीडियो बस यही था, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों शेयर कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय।